हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। तो आज है ट्यूसडे, टाइम हो रही है अभी 8 बज रहा है। तो यहाँ पर एंजल पूरा घर को मेस करके बैठी है, क्योंकि उसको एक्चुअली छत के ऊपर लेके चली गई थी। मैं 6 बजे आई थिंक चली गई थी, उसके बाद 7:30 बजे आई, 1.5 घंटा ऊपर ही। सारे बच्चे आते हैं, 2-3 बच्चे आते हैं उसका ही फ्रेंड्स उल्लू, तो उनका खेलना भी हो जाता है और मेरा भी खेलना हो जाता है, फिर अभी बात करना हो जाता है। तो यही हम लोगों ने टाइम पास करके आए। उसके बाद मैं अभी सोच रही थी कुछ बनाने के लिए, तो खाने में आज क्या बनाऊँ यही बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। तो सब्जी भी कुछ नहीं है, हस्बैंड गए हैं अभी थोड़ा सा कुछ सब्जी लाने के लिए। बेसिक सब्जी है आलू टमाटर प्याज, वो ही है और घर में कुछ नहीं है। लॉकडाउन कर्नाटक का हो सके तो पूरा अप्रैल 30 तक जाएगा। और यहाँ पर मेरे ड्राई पैचेस पता नहीं क्यों हो गए वाइट सा। लाइटिंग का काम कर रही थी, तो घर में अगर बैठती हूँ ना कुछ कुछ दिमाग में आता है, और दो चीज़ें मेरे दिमाग में आया है करने के लिए, कुछ वॉल डेकोर वगैरह वो सब करूँगी। बट टाइम चाहिए, मीन्स कंटिन्यूसली अगर मैं 2 घंटे बैठ जाऊँ तो कर पाऊँगी, बट एंजल के साथ नहीं हो पाता है। और ये देखिए वहाँ पर टॉयस, यहाँ पर टॉयस, और सोफे के ऊपर भी टॉयस। और ये सोफा का डायरेक्शन हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिए है। हाय मामू मीटिंग रे अच्छी ओके पापा पापा पिछुवारे चिप्स रहने पेंजे चंदे। हाँ अच्छा पिछुवारे तोर पेश तोर नम नाम रे पेश चलो लाई रहते। हाँ ओके ओके चलो ओके 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 चलो 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 बाय बाय कोई पड़ा तोर नम नम। हाँ नम नम टॉयस उसको यही है हस्बैंड। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो 2 था उस साइड था इधर लाके रख दिए हैं, और ये जो 3 सीटर सोफा को यहाँ पर डाल दिए हैं, ये है एक्वेरियम। और साइड में इस तरह से जो है ये है, और इसका तो लाइटिंग मैंने आपको शेयर किया था। ये यहाँ पर पावर बैंक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पावर बैंक से आराम से ये लग जाता है लाइटिंग। ये देखिए, और यहाँ पर इंटरकम है, यहाँ पर एक फोन पड़ा है, पता नहीं ये जो कोने में ना ये टेबल डाल दी हूँ मैं, ये एक्स्ट्रा टेबल था तो इसको फोल्ड करके कहाँ रखेंगे बोल के मैं यहाँ पर रख दिया है। इसको मैं सोच रही हूँ कि कुछ कनेक्ट ये क्वेश्चन तो हाँ हाँ
ये कुशन को हटाऊंगी, बट सोच रही हूँ कुछ प्लांट वगैरह रखने के लिए, जैसे कि स्नेक प्लांट हुआ, मनी प्लांट हुआ, रियल प्लांट कुछ रखने के लिए। और बेडरूम में जो बुद्धा जी थे यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि ये रूम को ना हम लोग थोड़ा सा वार्म टच देना चाहते थे, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो ट्यूब लाइट की वजह से आंखों में भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। तो इस तरह से जो लाइटिंग वगैरह होता है ना, वार्म लाइट, तो घर को थोड़ा सा कोजी भी बना देता है। तो यही सोच के हम लोगों ने ये यहाँ पर लाके रख दिया है। यहाँ पर इंटरकम था, यहाँ पे आ चुका है, तो ये सारा मन में हम लोगों का चलता ही रहता है। तो ऑलरेडी मैंने डिनर बना लिया था, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मिस्टी दोई, जो कि बंगाली का एक बहुत ही अच्छा एक स्वीट डिश है, मुझे बहुत ज़्यादा सच में बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, दही में थोड़ा सा चीनी डाल के खा लेती हूँ, बट मिस्टी दोई का जो एक्चुअल फ्लेवर है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। पहली बार बना रही हूँ, जैसे कि आप सभी को मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर किया था कि दही जमाना मेरे से हो गई है अभी, क्योंकि बहुत पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है दही जमाने के लिए, बट वो दही जो है बिल्कुल भी नहीं जमता था। अभी थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करके मैं दही जमा रही हूँ, वो ट्रिक आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने दही को जमाया है। मुझे लगता है कि होम टाउन में इजीली जम जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा गर्मी होती है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होती है, तो जो भी चीज़ें फर्मेंटेड होने का चीज़ जो होता है, जैसे कि उड़द दाल और चावल का बैटर जो है वो अच्छे से फर्मेंटेड हो जाता है और दही भी बहुत अच्छे से जम जाता है। बट बेंगलोर में इतना गर्मी नहीं होता है, बट आजकल थोड़ा सा गर्मी हो रही है, इस तरह से नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो फिर भी मुझे थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ा कि दही को किस तरह से मैं अच्छे से जमाऊंगी। और यहाँ पे कुछ बात कर रही थी, तो पता नहीं क्या बात कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है अभी। तो अभी याद, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि डिनर वगैरह सब कुछ बना चुकी हूँ। एक्चुअली सुबह में थोड़ा सा अगर ज़्यादा बना लेती हूँ तो डिनर भी हम लोगों का हो जाता है, और थोड़ा सा कभी चावल बनाती हूँ, कभी दाल बनाती हूँ, नहीं तो कभी रोटी बनाती हूँ। करी वगैरह मोस्टली मैं सुबह बना लेती हूँ, अगर नहीं होता है सब्जी ज़्यादा तो फिर से रात में अलग से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक हाफ लीटर का दूध पैकेट मैंने लिया है, उसको बॉयल होने के लिए यहाँ पर रख दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दूध जो है अभी बॉयल हो चुका है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अच्छे से एक जो स्पैचुले से अच्छे से उसको मिक्स कर रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा ही चीनी ऐड करूँगी, बाकी जो चीनी है वो कैरमलाइज होगा, तो इसकी वजह से आप अपनी टेस्ट के हिसाब से चीनी जो है डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा मीठा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भी मीठा नहीं खा पाती हूँ, स्पेशली दही में, तो जितना मुझे चाहिए उतना मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो हाफ यहाँ पर लीटर दूध था, तो यहाँ पर करीबन 1.5 स्पून मैंने यहाँ पर चीनी डाला है, तो आधा जो है मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा सादा वाला दही थोड़ा सा जमाना था, थोड़ा सा चीनी के साथ, और जो है बाकी कारमलाइज करना था। तो यहाँ पर जितना दही मुझे सादा करके बनाना था उसको मैं अलग से एक कटोरी में निकाल चुकी हूँ, और दूसरा जो है पैन इस तरह से ही रख दिया है, उसको और थोड़ा सा बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं दो डिफरेंट करके दही जमा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना था कि किस तरह से जो है दही होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर और थोड़ा सा चीनी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो कंटिन्यूसली जो है दूध बॉयल होने के बाद आपको कंटिन्यूसली चलाना होता है, क्योंकि दूध जो है काफ़ी ज़्यादा अगर बॉयल हो जाता है तो दही का थिकनेस जो है बहुत अच्छा आता है और दही जो है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनता है। तो पूरा धीमी आंच में मैंने यहाँ पर दूध को दूसरे साइड बॉयल होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैं करूँगी कैरमलाइज, जो कि चीनी चीनी के साथ होता है, और ये जो स्टेप है बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके ये जो चीनी है इजीली मेल्ट हो जाता है। आपको कंटिन्यूसली चलाना होता है कि चीनी जो है अच्छे से डिजॉल्व हो जाए और उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा वाइटिश होगा, फिर जाके थोड़ा सा ब्राउन होगा, फिर जाके पूरा डार्क ब्राउन हो जाएगा, जिस तरह से गुड़ का जो कलर होता है उस तरह से हो जाएगा। उस टाइम पे आपको क्या करना है, दूध पे जो है इलायची पाउडर भी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो कैरमलाइज होने के बाद आपको कंटिन्यूसली उसको चलाना होता है, और गर्म दूध में जो कैरमलाइज
किया हुआ चीनी है उसको डाल देना होता है, अच्छे से आपको मिक्स करना होता है और बाकी जो प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कैरमल ऐड करने के बाद दूध जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, फ्लेम को बंद करके आपको पूरी तरीके से दूध को ठंडा करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं दूध को अच्छे से टच कर पाती हूँ, उतना ही गर्म आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पर पूरा दूध में मैंने 2 टीस्पून के करीबन दही लिया है, जो भी मार्केट वाला दही आपके पास है उसको आप ले लीजिए और अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके ऊपर एक झाग जैसे हो जाता है, उस तरह से ही आपको दूध चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अच्छे से दूध जो है ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पर 4 कप लिया है, जो मिष्टी दोई है मैं उसमें कप में जमा रही हूँ, और जो बाउल वाला दही था मेरा वो जो कटोरी में मैंने जमाया था स्टील कटोरी में वो जो है बहुत ज़्यादा कम दिखा वाला है। तो यहाँ पर एंजल भी मुझे हेल्प कर रही है, आप लोग देख सकते हैं किचन बहुत ज़्यादा मेस हो गया था ये करने के बाद, क्योंकि हम लोग डिनर भी नहीं किए थे, तो डिनर के बाद जो भी किचन क्लीनिंग वगैरह है वो मैं बाद में करूँगी, पहले ये दही का जो प्रोसेस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं सारा जो जितना भी दूध था मैंने पूरा कप के अंदर निकाल लिया है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, कप के साइज़ के हिसाब से 4 मैंने यहाँ पर सीट लिया है, जो एल्युमिनियम सीट होता है, जो एल्युमिनियम फॉयल होता है जो खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो रोटी या पराठे वगैरह को रैप करने के लिए उसको लिया है, और उसको अच्छे से इस तरह से कवर कर रही हूँ। आप चाहे तो उसके ऊपर एक स्टील का थाली या बर्तन कुछ भी ढक सकते हैं, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैंने एक्चुअली टीवी में देखा था कि इस तरह से रैप करके वो लोग रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अच्छे से एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर दूंगी और ये अभी जाएगा ओवन के अंदर। तो ओवन को आपको क्या करना है, पहले आपको 30 सेकंड के लिए प्री हीट करना है और उसके बाद उसको ओवन में डाल देना है और स्विच ऑफ कर देना है, और पूरा रात भर ये ओवन में रहता है। ओवन में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट होके रहता है, एयर टाइट होके, तो इसकी वजह से दही जो है बहुत अच्छे से जमता है। आप लोग मुझे हर बार पूछ रहे थे कि मैं मीन्स किस तरह से दही जमाती हूँ, तो बस इस तरह से ही मैंने दही जमाया है और कल सुबह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से दही जमा है। तो अभी ये जो दही है वो जाएगा ओवन के अंदर। ये देखिए सुबह हो चुकी है और ये जो मैंने कटोरी में दही जमाया था वो कितना ज़्यादा ठीक और क्रीमी बना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये है मेरा कप वाला दही जो कि मिष्टी दोई है, तो ये भी उतना ही ठीक जमा था, बट एज़ कम्पेयर टू टेस्ट मुझे कटोरी वाला दही जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मीठा नहीं खा पाती हूँ, इसकी वजह से मुझे कटोरी वाला दही जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपको कौन सा दही दिखने के लिए अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी अच्छा लग रहा है वो तो आपको ट्राई करके ही मुझे बताना है, तो आप ही इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपके साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन जो है उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।